है खूबसूरत से प्लान की, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, छोटा सा प्लान है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो 20x25 20x25 फुट में मात्र बना हुआ है। अगर आपके पास जगह कम है या आपके पास बजट कम है, क्योंकि यह घर जो बना है कम बजट में और बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हुआ है, और यहाँ पर पूरा मैं डिस्कस करूँगा इसका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और इसका जो भी स्ट्रक्चर है पूरा, थ्री साइड क्लोज्ड मैं बता दूँ, तीनों साइड आपके हो सकता है मकान बने हो या जगह हो, लेकिन थ्री साइड क्लोज्ड यहाँ पर मैंने बनाया है। फ्रंट से आपका ओपन है और साइड से आपका ये देखिएगा। तो ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20x25 फीट में। हमारे सब्सक्राइबर थे वो बोल रहे सर मुझे एक छोटा सा कम बजट में घर चाहिए, तो इसका मैं लास्ट में बजट भी बताऊंगा कि आपको ये घर बनवाने में कितना पैसा लगेगा और इसका मटेरियल वगैरह कितना लगेगा। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको बात करें, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए, प्रॉपर तरीके से क्या बना है, इसमें डोर वगैरह जो भी लगा है सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिख जाए। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको ले चलूँगा। तो ये इसका देखिए ग्राउंड फ्लोर है जो आपका बना हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर है, बेहतरीन सा मॉडल। और इसका फ्रंट एलिवेशन ये है, आप देखिएगा ये एक विंडो है और रोड है सामने से, इसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से आप चढ़ेंगे, स्लोप से चढ़ जाएँ। आगे आपको एक छोटा सा बारंदा मिल रहा है और इसी बारंदे से एंट्री आपकी घर में होनी है। तो ये देखिए जैसे आगे का फ्रंट का पहले मैं लुक दिखा दूँ आपको। इधर सा वॉल है, ये आपका एक फ्रेम के साथ विंडो लगा हुआ है, क्योंकि आगे मैंने किचन बनाया है जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे, इसलिए मैंने फ्रेम के साथ विंडो लगाया है। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, इधर भी एक मैंने विंडो दिया है। जैसे आप स्टेयर के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो आपको बारंदे में चढ़ जाना है, और बारंदे में देखिएगा स्टेयर्स मैंने बारंदे से दी बाहर से, इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न हो जाएंगे, फिर टर्न हो जाएंगे। ये देखिएगा स्टेयर्स का जो लुक है आपका, अंदर से स्टार्ट करेंगे टर्न होकर इधर, तो इतने भी आपके स्टेयर्स बन जाएंगे। आपको दो मोड़ स्टेयर्स में देने हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है बारंदे में, इस वजह से पूरा डिज़ाइन मैंने किया है। अब ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करते हैं, और जैसे आप अंदर जाते हैं तो आप देखिएगा ये पूरा स्पेस मिलता है, साथ साथ ये आपका एक आंगन टाइप का मिलता है या ओपन स्पेस मिल जाता है। इस कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम मिलता है, ये देखिएगा कॉर्नर पर बेडरूम, इसके लिए डोर मैंने इधर से दिया है, और इधर जगह आपकी खाली रहेगी क्योंकि इधर किचन है और इधर किचन का डोर आपको दिया है जो कि बाहर की तरफ दिख रहा था। ये आपका बड़ा सा लेटर एंड बाथ है और ये आपका आंगन टाइप का ओपन स्पेस बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने बात करूँ अगर दो बेडरूम और एक लेटर एंड बाथ अंदर और ये किचन जो बाहर, अगर देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र बनाना चाहते हो तो आप लेटर एंड बाथ बाहर कहीं बना लें तो आपका यहाँ पर एक कमरा और बन जाएगा। ये जो लेटर एंड बाथ है ये वाला वॉल इधर सामने हो जाएगा, तो दो कमरे आपके यहाँ पर निकल आएंगे 20x25 में। लेकिन आपको लेटर एंड बाथ बाहर बनाना पड़ेगा, किसी ने आपका बेहतरीन से आगे बना ही हुआ है। और फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है बीम है जिससे वो आपको मैंने थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया है, स्टाइलिश बना दिया है जिससे घर का नया लुक लगे। तो ये देखिएगा मैं जूम करके आपको और दिखा देता हूँ चीज़ें जिससे आप प्रॉपर चीज़ें समझ पाएँ सारी चीज़ें। ये देखिएगा 20x25 में। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर क्या, 3.5 फुट का चारों तरफ बाउंड्री, जहाँ पर लेटर्न बाथ था ऊपर मैंने वहाँ पर एक बेडरूम बना दिया है। तो मैं नीचे बात कर रहा था यहाँ पर एक बेडरूम बना सकते हैं, तो मैंने उस लेटर्न बाथ को हटा कर यहाँ पर बेडरूम कॉर्नर पर क्रिएट कर दिया है। फ्रंट में बेहतरीन सा रेलिंग का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, बेहतरीन सा रेलिंग मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है और चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री कर दिया है, इससे घर को नया लुक लगे। और ये पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है 20x25 फिट में स्मॉल हाउस प्लान में। अब अगर हम इसकी बात करें बजट की, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो जब भी आप वीडियो देखते हैं नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, लाल कलर से लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद बेल आइकन आ जाता था, एक घंटे का निशान आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आप हमारे वीडियो हमेशा देखते रहें, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अब हम बात कर लेते इस घर के बजट के बारे में। तो दोस्तों महंगाई का बहुत दौर है, महंगाई बढ़ चुकी है, ये लगभग 500 स्क्वायर फीट एरिया है। अगर हम बात करें इस घर का विद फिनिशिंग जो आप मकान जैसा देख रहे हैं, तो लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए आने वाला है।
लगभग 4 से 5 रुपए विद फिनिशिंग आने वाला, लेकिन विदाउट फिनिशिंग अगर आप बनवाते केवल स्ट्रक्चर खड़ा करवाते हैं तो लगभग से आपका 2 से 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख के अप्रॉक्स में, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए में आपका बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रक्चर के साथ बनवाना है, मतलब कि फिनिशिंग के साथ बनवाना है, तो आपको 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। केवल स्ट्रक्चर आपका लगभग 2.5 से 3 लाख में रेडी हो जाएगा और आप बेहतरीन से अपने घर को बनवा सकते हैं। तो ये पूरा बजट था, तो कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ नक्शे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।